स्टूडेंट्स, आम दिव्या कथिरियान। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म शुरू किया था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें ज़्यादातर यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उसके इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के काम होते हैं। क्लियर? तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। आगे के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसके एडवांटेजेस के बारे में देखा था, लेकिन जहाँ पे कोई एक कॉइन होता है प्लस और माइनस साइड दोनों होते ही है। क्लियर? तो जैसे एडवांटेजेस है वैसे उसके लिमिटेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट वन उसका लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। जैसे कि हम लोग जानते हैं गाइस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रेम करने के लिए मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होता है गाइस कि बहुत ही कम लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप बनता है, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है। ज़्यादातर शेयर के प्राइस इतने होते नहीं है। साथ में जो लोग का यूनियन होता है उसमें ऐसे कोई प्रोफेशनल पर्सन का होना भी ज़रूरी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सारा जो लॉस है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ पे हम लोगों को दिखेगा? कैपिटल के ऊपर। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने शेयर का प्राइस कम रखा है इसीलिए हमारे पास जो कलेक्शन होने वाला है वो भी कैसा होगा, थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू कंपनी। क्लियर? तो आइए इसमें देखते हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टू रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर हमें हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा काम करना है या फिर कुछ एक्सपांड करना है तो उसके लिए हमारा कैपिटल का रेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर का प्राइस बहुत ही कम होता है ताकि जो पुअर पीपल है वो भी उसको परचेज कर पाए। क्लियर? लिमिटेशंस ऑफ अ कैपिटल बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ज़्यादातर क्यों होती है? तो फर्स्ट वन है लो प्राइस ऑफ शेयर। हमारे शेयर के प्राइस कैसे होते हैं? बहुत ही लो होते हैं ताकि नॉर्मल पर्सन भी उसको परचेज कर पाए। क्लियर? मेंबर्स बिलोंगिंग टू पुअर क्लास। अब जो हमारा शेयर का प्राइस है वो कम है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग रिच पर्सन ही परचेस करेंगे। नॉर्मल, एवरेज या फिर बिलो एवरेज पर्सन भी उसको परचेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कैपिटल कलेक्शन करने जाएंगे तो एट दैट टाइम ऐसे लोगों से कैपिटल कैसा निकल पाएगा? बहुत ही कम निकल पाएगा। क्लियर? एंड लेस अट्रैक्शन टू परचेज शेयर ड्यू टू इज वोटिंग राइट फॉर मेंबर। यहाँ पे क्या आएगा? पर मेंबर आएगा। क्लियर गाइस? क्यों यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्शन कम मिलता है? क्योंकि हम लोग वोटिंग राइट आगे देखा था हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में, वोटिंग राइट पर शेयर नहीं पर मेंबर मिलता है। इट मींस कि अगर आप 10 शेयर भी परचेस करते हो तो भी आपको वोटिंग सेम ही मिलेगा। अगर आप 100 करते हो तो भी सेम मिलेगा। अगर आप 1000 करते हो तो भी आपको एक ही वोट मिलेगा। क्लियर? जब भी इलेक्शन वगैरह कुछ होगा तब। इट मींस कि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इसीलिए लोग यहाँ पे कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर ऑफ परचेज करता है शेयर को तो उसको भी सेम राइट ही मिलता है, और जो कम नंबर ऑफ शेयर परचेज करते हैं तो उसको भी सेम राइट ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन कैसा होता है? थोड़ा सा कम होता है। तो अल्टीमेटली ये सारा जो इफेक्ट है वो हम लोग कैपिटल इंक्रीज करने के टाइम पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट वन जो सेकंड वन है वो हमारा लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्कूल भी कह सकते हैं इसको हम लोग, कि जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही किसी को इलेक्ट करते हैं और उसको मैनेजमेंट करने की मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं होता है, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से कोई एक बंदा निकल के आता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, द डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी वो आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विसेज। यानी कि ये क्या होंगे, डायरेक्टर जो होंगे वो मेंबर में से किसी को इलेक्ट किया है और उसको क्या प्रोवाइड करना है, ऑनररी सर्विस करना है। प्रोवाइड ऑनररी सर्विस का मतलब क्या होगा कि आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है। और गाइज हमें पता है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें होती है उसमें उतना ज़्यादा क्वालिटी या फिर उतना ज़्यादा डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे रेयर केस में मिलता भी है देखने को, ज़रूरी नहीं है कि पूरा नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर जनरली क्या होता है कि जो फ्री ऑफ चार्ज में चीज़ें करवाती जाती है ना वो थोड़ी मतलब लेस क्वालिटी वाली हम लोगों को देखने को मिल सकती है। क्लियर? दे मे नॉट टेक अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू ऑनररी सर्विस। ये लोग क्या करेंगे, उसको ऑनररी सर्विस देना है, इट मीन्स कि उसको कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा उसके लिए, तो उसके वजह से वो लोग ज़्यादातर पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा दे कि भाई चलो पूरे डेडिकेशन के साथ ऐसे ऐसे प्रॉपरली काम करना है। वो क्या होंगे, अगर होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता है तो चलो ना चलेगा, वैसा सिचुएशन यहाँ पे होता है। प्रॉब्लम लाइक्स, यहाँ पे और प्रॉब्लम्स भी कैसे होते हैं, तो कि लैक ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने किसी मेंबर में से किसी को एक डायरेक्टर को चूज़ किया है तो वो पूरा नॉलेजेबल ही होगा। मे बी इट्स ऑल्सो लैक पर्सन होगा कि भाई उसके पास बहुत ही कम नॉलेज है,
क्लियर, बिजनेस एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता नहीं है, उसके पास टाइम होता है या फिर नहीं होता है, अगर होता है तो भी ज़्यादा टाइम देते नहीं है, या फिर ग्रुपिज्म का प्रॉब्लम्स होता है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर यहाँ पे कितना भी कुछ करेंगे हमें कुछ पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन की वजह से जो हमारे मैनेजमेंट के बंदे होते हैं वो 110% दिल लगा के काम यहाँ पे नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट के रिलेटेड भी थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। जैसे कि हम लोगों ने आगे देखा था कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस यहाँ पे कम होता है, लेकिन आप कोई भी चीज़ें ले लो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो इंटरफियरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। वेरियस पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू गेट अ कंट्रोल ओवर द सोसाइटी। क्यों वो लोग ऐसा करेंगे? क्योंकि उसको वहाँ से अपने कैसे भी करके वोटिंग का कुछ ना कुछ सेटिंग करना होता है, तो वो ऐसा ट्राई करेंगे ही करेंगे कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। फिर देन आफ्टर है नॉन कॉपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उसके बीच में कॉपरेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे आप इतने सक्सेसफुली काम नहीं कर पाओगे। नॉन कॉपरेशन एंटर इन द कॉपरेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर हमारा कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन क्यों पैदा होता है या फिर क्यों एंटर होता है, कैसे एंटर होता है? व्हेन देर इज़ अ डाउट, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं कि भाई चलो ये फ्री में काम कर रहा है तो कैसा कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा होगा एंड ऑल दैट, फिर डिस्कॉर्ड्स करता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स करता है, झगड़े करता है, ग्रुपिज्म बन जाता है, सेल्फिशनेस अमॉन्ग द मेंबर्स बन जाता है कि भाई मुझे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, इसको थोड़ा कम होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेंबर्स होते हैं ना वो भी अंदर अंदर क्या करता है, लड़ते रहते हैं, या तो फिर अगर लड़ते नहीं है तो एक दूसरे के सपोर्ट में लोग मतलब काम नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? सब अपना अपना देख लेते हैं, बाकी का जो होना है वो हो जाए। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन की वजह से हमारे मेंबर भी कोऑर्डिनेटली नहीं रह पाते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बैड इफेक्ट हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे लिमिटेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड गुड बाय।